वो प्रेयर देख लो जो कल अपन ने लिखी थी, कोई कल के क्लास में एब्सेंट था तो पड़ोसी की कॉपी में से देखो और उसे लिख भी लो, एक नज़र प्रेयर को देख लो। खड़े हो जाओ भाई, इधर वालों को बाहर खड़ा रहना पड़ेगा। आंख बंद रखना, एकदम आनंदित और खुश रहना, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान रखना और मन में बोलना, हे भगवान आपका धन्यवाद कि आपने मुझे मनुष्य बनाया, हे भगवान आपका धन्यवाद कि आपने मुझे पढ़ने लिखने का मौका दिया, हे भगवान आपका धन्यवाद आपने हमेशा ही मेरी मदद करी है, आगे भी करते रहना, हे भगवान हमारा ध्यान पढ़ाई में लगाना, हमारे एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रहे हैं, पढ़ाई की सभी चीज़ें हमें सरलता पूर्वक समझ में आए कुछ ऐसा करना, हे भगवान हम अभी पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, हमें एकाग्रता प्रदान करना, हे भगवान हम जिंदगी में हर जगह सफलता प्राप्त करें ऐसी मदद करना, हे भगवान आपका बार बार धन्यवाद। बैठिए, आखिरी लाइन तो तुमने लिखी नहीं, कल वाली शीट का एक आखिरी क्वेश्चन रह गया था उसे निकालो। जी एक्स अपने पास एक्स स्क्वायर अपॉन जी एक्स है क्या? हाँ हाँ, कितने लोग इसको कर पाए हाथ उठाओ, बहुत बढ़िया। तो जी डैश एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलिए? जी एक्स का क्या, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर जी डैश फोर चाहिए, इसका मतलब जी फोर का होल स्क्वायर, टू इंटू फोर, जी की वैल्यू फोर पर एक्स की जगह माइनस टू रख के देखो तो एफ ऑफ माइनस टू बताओ क्या होगा? माइनस टू ई की पावर जीरो प्लस सिक्स इंटू ई की पावर जीरो, तो माइनस टू प्लस सिक्स बराबर कितना? तो एफ और जी एक दूसरे के इनवर्स हैं, इसका मतलब एफ में माइनस टू रखने से फोर मिला तो जी में फोर रखने पर माइनस टू मिलेगा। चेहरे से हाथ हटाओ और थोड़ा आप दो लंबे लोग इधर सर को तो दीवार की तरफ जाओ। हाँ वो नहीं, आप नहीं, आप सरदार जी नहीं, वो पीछे वाले चश्मे वाले भैया, बेग को छोड़ देना यार, मोहमाया नहीं छूट रही तरह से। हाँ और जाओ दीवार में, और जाओ दीवार में, वो बेग तुम्हारा आगे फेंको, हाँ आगे फेंको, हाँ अब सर को, अब तुम भी जाओ उस टेबल पे। वो दो लोग बेचारे छुप गए पीछे, झांक झांक के देख रहे हैं पूरी पढ़ाई। बोलो भैया, जी फोर रखने पर माइनस टू मिलेगा क्या? रीढ़ की हड्डी सीधी रखो, जी फोर माइन जी फोर विल बी माइनस टू। अब सुनिए बड़े गौर से, जी एक्स है एफ इनवर्स एक्स, हाँ हाँ, उसी तरह से एफ एक्स होगा जी इनवर्स एक्स, हाँ हाँ, तो जी ऑफ एफ एक्स इज व्हाट? तो इसका जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो जी डैश एफ ऑफ एक्स डॉट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या? तो जी डैश एफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन क्या?
नखून मत खाओ, जी डैश एफ एक्स की जगह माइनस टू रखा तो एफ ऑफ माइनस टू फोर है, इज इक्वल टू वन अपॉन एफ डैश माइनस टू। हेलो नहीं, तो इसका तुम डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन करके माइनस टू रखो और उसे रेसिप्रोकल करो तो तुम्हें जी डैश फोर मिलेगा। तो मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया तो एक्स का डिफरेंशिएशन वन, ई की पावर टेन इनवर्स एक्स प्लस टू प्लस एक्स चुपचाप, ई की पावर स्टार का ई की पावर स्टार और फिर स्टार का डिफरेंशिएशन वन अपॉन वन प्लस स्टार स्क्वायर प्लस सिक्स ई रेस टू द पावर एक्स प्लस टू, इसमें तुमने माइनस टू रख दिया तो वो हो गया वन, ये माइनस टू और सिक्स कितना हो गया देखना दोस्तों, हाँ फाइव, यानी कि ये हो गया वन अपॉन फाइव हो गया क्या भाई, तो चार दुनी आठ इंटू जी फोर कितना माइनस टू प्लस सोलह, जी डैश फोर यानी एक बटा पच्चीस स्क्वायर होने के बाद, और माइनस टू का स्क्वायर यानी होल स्क्वायर नहीं है ना, तो क्या लिखूं सिर्फ इज इक्वल टू चार कॉमन होके कट गया तो ये भी तो सोलह है, वो भी माइनस का सोलह है, तो माइनस का सोलह कॉमन निकाल लिया, वन प्लस वन बाई फाइव अपॉन फोर, फोर से इसको काटा तो माइनस फोर चार पाँच छ अपॉन पाँच तो माइनस चौबीस अपॉन पाँच, देखना आंसर क्या निकालना, फाइव बाई ट्वेल्व, माइनस का कैसे आ रहा भाई, एब्सोल्यूट बोला है तो इसमें पाँच का, अच्छा इसमें इंटू करना है इंटू, भाई रुक तो जाओ एक मिनट तो रुक जाओ, ठीक है मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ वैसे ही दिमाग नहीं चलता, ये कितना आएगा तो देखना, टू आंसर है क्या, बांट दो भाई सबको, मेरे को क्या काम है, इसको कितने लोगों ने सारे कंसेप्ट सही 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 लगाकर सही आंसर प्राप्त किया, और ये गजब ओनली तीन बच्चे, क्या नाम दीदी का, स्मिता, भैया का नाम काली शर्ट वाले भैया बोलो, कृष्णा, वाह, आरस, आदर्श, बधाई हो, देख लेना वन टू थ्री फोर चारों पेज हैं क्या आज की शीट में, पिछली शीट की तरह कोई मिसप्रिंट तो नहीं, एक बची हुई मुझे भी देना, पहले इन बच्चों को दे दो, यहीं रख दो दोनों यहीं रख दो क्योंकि कोई लेट आएगा, और ये वाली जो शीट रखी है हाँ वो उठा लो, अरे हाँ ये किसकी शीट थी जो मैंने उधार ली थी, हाथ उठाओ, इनको दे दो वापस, पानी और लगेगा भाई मेरे को, आज की शीट हाथ में लो, आज की शीट नंबर है 25 है ना, क्या डाला मैंने नंबर सही डाला, आज की शीट 25, उसके शुरू वाले क्वेश्चन करो, साइन की गोद की चीज जीरो हो रही है तो साइन हटा के सिर्फ गोद की चीज लिख लो, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा तो साइन थीटा, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, वन माइनस कॉस थीटा इज टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, मैंने वही मान लिया यहां भी, तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो लिमिट एक्स टेंस टू थीटा टेंस टू जीरो टू, और इसका होल स्क्वायर, और ये साइन स्क्वायर थीटा तो थीटा स्क्वायर, तो टू इंटू सिक्स इंटू सिक्स अपॉन टू इंटू टू तो अठारह, अल्फा छः बीटा अठारह, कितने लोगों का आ गया, स्कूल का लो लेवल का क्वेश्चन लगता है मेरे को ये, करिए, तुम ये कह रहे हो कि मॉड आना चाहिए, मगर यदि मॉड ले लेंगे तो चलो एक मिनट पेन रोको, भैया ने 500 क्वेश्चन पूछा है, वैसे मेरा आंसर सही है और उसका कारण मेरे पास है,
मॉड यहाँ नहीं लगेगा, वो भी जवाब है मेरे पास। बाकी लोग बताओ कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर विल बी साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर के माथे पे अंडर रूट है, तो ईमानदारी कहती है कि मॉड साइन थीटा मुझे लिखना चाहिए। और यदि मैं मॉड साइन थीटा लिख रहा हूँ तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगी। मगर ऐसा कुछ नहीं है, मुझे इसका कारण चाहिए। एक जने का हाथ उठा और बोलो। सोचो यार, झांसू क्वेश्चन पूछा भैया ने, जैसे कल एक क्वेश्चन था ना, मैंने कहा कि चार आंसर होंगे, चार दुनी आठ, जबकि आंसर थे दो दुनी चार, क्योंकि साइन इनवर्स कभी टू नहीं देता, मतलब साइन इनवर्स में टू नहीं रख सकते। तो ऐसी बारीक बारीक चीजें ही डिस्कस करने बैठे हैं अपन, हिलो नहीं, हाथ नीचे करो। बाकी लोग सोचो। हाँ बोलो मानस भैया जी, ठीक है, हाँ बैठो आप। सुनो, तुम्हारा ये जो क्वेश्चन है ये एक्चुअली LHL RHL है ही नहीं। तुम कॉस की गोद में वन से ज्यादा रख ही नहीं सकते, तो इसका मतलब ये एक्सटेंस टू वन है, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट तो तब होती जब हम LHL RHL निकाल पाते और वो LHL RHL अलग अलग आता। फिलहाल हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि तुम वन से ज्यादा रख ही नहीं सकते, आउट ऑफ डोमेन। तो जब डोमेन के बाहर हो जाता है तो हम सिर्फ LHL निकालेंगे, RHL की बात नहीं करेंगे, और LHL जितना आएगा वही आंसर। तो जब x tends to 1 है और वो हमारा LHL है, RHL नहीं है, मतलब 1 से कम, तो जब ये 1 से कम है, ये क्या है साहब, तो उस समय cos थीटा क्या होगा? और ये जो cos थीटा है, कैसे एक्सप्लेन करूं यार, कि ये वन साइडेड लिमिट है, टू साइडेड होती तो मॉड लगता और ऑब्जेक्शन आता कि LHL डज नॉट इक्वल टू, मगर ये हमारा असली क्वेश्चन ही क्या है, सिर्फ LHL है, वन साइडेड। हाँ हाँ, एक्सप्लेन ऐसे कर सकते हैं, सुनिए, ये जो है ये दर असल x टेंस टू क्या है, वन प्लस आप नहीं रख सकते, और जिसे मैंने थीटा माना है तो इसकी जो औकात होती है, रेंज, वो क्या होती है, यानी कि थीटा भी क्या है, इसका मतलब थीटा टेंस टू जीरो प्लस ही हो सकता है, जीरो माइनस नहीं हो सकता। तो ये दरअसल जो है ये थीटा टेंस टू जीरो, और जब तुम यहां मॉड लगा दोगे और सिर्फ तुम जीरो प्लस पे बात कर रहे हो तो ये पॉजिटिव होने के कारण मॉड हट जाएगा। यदि ये सादा क्वेश्चन होता, यानी कि कॉस इनवर्स को मैंने थीटा ना माना होता और डायरेक्ट ये क्वेश्चन लिखा होता डायरेक्ट, तो डज नॉट एग्जिस्ट हो जाता। इसको लिखो फिर, मैं एक क्वेश्चन में पूछता हूं, 557 कितनों से हो गया? मानस, विवेक, साहू, अंश, मोहित, आदर्श, बधाई। बहन बेटियों से नहीं हुआ, नखून घर पे साफ कर लेना, क्वेश्चन कर लो अभी। सुनिए, ए एम बड़ा या बराबर होता है जी एम से, तो मेरी एक आइटम का नाम एक्स स्क्वायर, दूसरी आइटम का नाम 2x, तीसरी आइटम का नाम 8 अपॉन एक्स, ये मालूम बड़ा रहेगा, एक्स स्क्वायर इंटू 2x इंटू ऐसा इंटू ऐसा इंटू ऐसा, और आइटम है 1, 2, 3, 4, 5, इसलिए 1/5, सारे x कट गए, 2 की पावर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 की पावर 10 की पावर 1/5 इधर आएगा वो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 टाइम्स 8/x अपॉन 5, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 24 अपॉन x बड़ा या बराबर रहेगा 5 इंटू 2 की पावर 2, यानी 20, तो 20 या 20 से बड़ा ये हो सकता है। कितने लोगों ने एम जी एम से इसे कर डाला? एक से भी नहीं बना।
मैं आपको जो टाइम देता हूं ना ज्यादा कि करके दिखाओ, वो फिर भी तुमसे नहीं बनता, ये तुम्हारा गुस्सा जगाने चाहता हूं मैं कि तुम एक बार गुस्से में तो आओ। अब तुम ऐसे होगे तुम्हें गुस्सा ही नहीं आता, हमारे भारत को गुस्सा ही नहीं आता, पाकिस्तान कुछ भी उंगली करता रहता। सुनो, ये भी स्कूल का ही क्वेश्चन है। नीचे वाले को टी माना, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी माना, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ऊपर वाला डी टी हो गया। इसका स्क्वायर किया तो वन प्लस टू साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू। तो ऊपर बना डी टी, नीचे टी, टी स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू प्लस टी स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर। कुछ गलत है क्या? कहाँ? अच्छा, साइन का डिफरेंशिएशन माइनस कोस, क्यों डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, इंटीग्रेशन कर रहा हूं, लाहौल बुलाखुद सही है, नखुन मत खाओ। सुनो, टी ये एलसीएम हो जाएगा टू, कौन फोर होगा भाई, तो स्क्वायर लगेगा ना दीदी, सही है। अरे हाँ हाँ, ये फोर क्या बनेगा, घूंघट से बाहर निकलेगा, क्या बनेगा, एक स्टेप पहले लिख दिया था मैंने। अब ये क्या हो गया, नखुन मत खाओ, अब ये क्या बनेगा बोलो, टी स्क्वायर माइनस वन मैंने कॉमन निकाला, अंदर बचा टू प्लस टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर प्लस वन हो गया क्या, तो टी स्क्वायर प्लस वन, टी स्क्वायर माइनस वन, टी की पावर फोर माइनस वन, टी की पावर फोर माइनस वन को माना स्टार स्क्वायर। ओ भाई साहब, ओ बड़े भैया, इधर तो देख लो, बताओ आप क्या करेंगे, फोर टी क्यूब इज इक्वल टू क्या, टू स्टार डी स्टार, अरे सही है, तो टी क्यूब का मल्टीप्लाई और टी क्यूब का क्या डिवाइड, तो बोर्ड पे देखना, ये नीचे चला गया डिवाइड में, तो टी क्यूब डी टी, या एक काम करो ना, इसको टू मान लो, तो ये टू लपेटे में आ गया, तो माइनस स्टार हा डी स्टार, और टी की पावर फोर बनेगा स्टार स्क्वायर प्लस वन, और ये क्वांटिटी क्या बनेगी, तो स्टार से स्टार, तो वन अपॉन वन प्लस स्टार स्क्वायर इज टेन इनवर्स स्टार, स्टार की जगह पर क्या आ जाएगा, और टी की जगह पर, कम से कम यहां तक कितने लोग पहुंच गए, क्या नाम दीदी का, भव्या, स्मिता, सौम्या, फिर मोहित, सिर्फ चार लोग बताओ, इसे छापो नहीं, आप खुद करो। हाँ भाई साहब, मानस भैया, कुछ और मेथड से कर डाला तुमने, बधाई हो। तुम्हें प्यार कब तक ना करेंगे भला, फाइव फिफ्टी एट का अपन लोग आंसर क्या निकाले, माइनस टेन इनवर्स वो, और वो है, अरे अभी क्या आ रहा है, अभी स्टार की जगह टी की पावर फोर माइनस वन रखा, और टी की पावर फोर माइनस वन रखा, टी की पावर फोर माइनस वन रखा, अभी कौन सा आ रहा है, डी, अभी सी आ रहा है, अरे वो सॉरी वो टू एक्स ही होना चाहिए, लिखने की गलती है, पीछे आंसर क्या दिया, 258 का क्या दिया, बॉम्बे दिया ना, तो तुम क्या कह रहे हो, बी और क्या होना चाहिए, सी में देख 2 साइन 2x लिखा है क्या, अंडर रूट के अंदर नहीं, काय को हो सकती है जब पीछे एक ही आंसर है, यदि वहां पर 2 साइन 2x होता तो बिड़ी होते, मगर अभी सिर्फ डी डी है, अभी सिर्फ सी है, मतलब क्या पता क्या है आंसर पीछे, बॉम्बे सी नहीं है साहब, चेहरे से हाथ उठाओ, वो बैग नीचे रख दो दीदी, नीचे रख दो, हाँ अब पूरी कुर्सी का उपयोग करो, पीछे सर को, हाँ, वन प्लस एक्स क्यूब को माना टी क्यूब, तो वन प्लस एक्स क्यूब की पावर टू बाई थ्री विल बी टी स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन किया
तो इसे आप महसूस करें, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब होगा टी क्यूब माइनस वन, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स बन गया टी स्क्वायर डी टी, फिर एक्स क्यूब की जगह पर आया टी क्यूब माइनस वन और इस आइटम की जगह पर आ गया टी स्क्वायर, तो ये हो गया टी की पावर सेवन माइनस टी की पावर फोर, टी की पावर एट अपॉन एट माइनस टी की पावर फाइव अपॉन फाइव प्लस सी। तो मेरे ख्याल से ए और बी, ए हुआ एक बटा आठ, बी हुआ माइनस एक बटा पाँच, कितने लोग सफल हो गए? अरे मैं तो ये वैल्यू बता रहा हूँ, कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यू किस किस की आ गई, अब ऑप्शन आप टिक करना। ए बी सी है ना आंसर, ए नहीं हो रहा, 40 होना चाहिए, एक्चुअली मैंने पढ़ा होगा 14 और लिखते लिखते 40 हो गया होगा, मतलब 40 पढ़ा होगा 14 हो गया होगा, तो उसको सुधारो। अरे वो राइटिंग खराब है गोलू, ए बी सी है आंसर। अरे मैं जब बोल रहा हूँ कि वो ए है और जिंदा है, कटा मुर्गा नहीं है, जिंदा मुर्गा, सीधे होके बैठो तुम, दीवार से दूर हटो, 560 करो रे बाबा। आर एच डी एफ डैश जीरो प्लस एफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो अपॉन क्या, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, यानी तो एच ही हुआ, तो जीरो प्लस मतलब इसमें रख दीजिए, तो एच स्क्वायर साइन वन अपॉन एच, और ये वैल्यू तो जीरो दी है अपॉन एच, तो ये क्या हो गया एच साइन वन अपॉन एच, तो जीरो इंटू कुछ रियल माइनस वन से वन के बीच, सही लिखा गलत लिखा? कितने लोगों ने आर एच डी इस तरह से व्यवस्थित इस चीज को जानते हुए जीरो बोला? साइन इन्फिनिटी पे क्या देगा, कुछ देगा माइनस वन से वन के बीच, इंटू जीरो विल बी जीरो। अब एल एच डी एफ डैश जीरो से कम, लिमिट एच टेंस टू जीरो ही रहेगा, एफ जीरो माइनस एच माइनस एफ जीरो और नीचे माइनस एच। हम ये एच स्क्वायर हो जाएगा, फिर कटपिट होगी तो माइनस एच कॉस वन अपॉन एच, ये भी क्या होगा इसी पैटर्न से, यानी कि एल एच डी इज इक्वल टू आर एच डी। हाँ हाँ किसमें? हाँ आप 11 12th कहाँ पढ़े हो, फिटजी में, ये तो तुम फिटजी का नाम बदनाम कर रहे हो, इतना तो पढ़ाया ही होगा उन्होंने कि एक्चुअली ये एच शुद्ध जीरो नहीं है, जीरो जैसा है, तो एक्चुअली तुमने साइन की गोद में इन्फिनिटी नहीं रखा, इन्फिनिटी जैसा रखा है, तो साइन बहुत बड़ी वैल्यू पर क्या देगा, माइनस वन से वन के बीच ही देगा, इसलिए यह क्वांटिटी कुछ रियल नंबर है इंटू जीरो, तो रियल इंटू जीरो विल बी जीरो, डन। यानी कि एफ एक्स कंटिन्यूअस तो है ही, आप जीरो रख के देखो, जीरो 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 तीनों हो गए, कंटिन्यूअस तो है, डिफरेंशिएबल भी हो गया। मगर अब एक और चीज हमसे पूछ रहा है कि एफ डैश एक्स कैसा होगा, तो एफ डैश एक्स कैसा होगा, आओ चलो देखो, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x cos 1 अपॉन x, फिर माइनस एक्स स्क्वायर cos 1 अपॉन x का क्या, माइनस साइन 1 अपॉन x और फिर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये कट गया 2x साइन 1 अपॉन x प्लस एक्स स्क्वायर cos 1 अपॉन x इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के साथ, ये कट गया। इसमें तुम x की जगह जीरो इस हिस्से में नहीं रख सकते, ऑसिलेटरी टाइप नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, माइनस वन से वन के बीच में वैल्यू झूलती रहेगी, तो f डैश x इज नॉट डिफरेंट, वो डिसकंटिन्यूअस।
सुनना बड़े ध्यान से बाबू, यही डिस्कशन के लिए तो इकट्ठे हुए। एफएक्स के डेरिवेबल होने के लिए सोनू भैया, ओ सोनू भैया, वो देखो व्हाट्सएप में ऐसे खो जाता है इंसान, देखो मुड़ के देखो उसको, सोनू अब जागे, वो चार आवाज दिए दादा, बच्चों ने मालूम क्या कहा, व्हाट्सएप में इंसान ऐसे खो जाता है, मैंने नहीं कहा कुछ, और ये पानी का तुमको एक घंटे पहले कहा था, बताओ आप। मेरे मामा ने मेरे कजिन यानी उनके बेटे के मोबाइल में सिर पे खड़े होकर व्हाट्सएप डिलीट और अकाउंट क्लोज करके बंद करवाया, कह लगे आज ये मोबाइल फोड़ दूंगा या तो तू व्हाट्सएप डिलीट कर दे। तो हमने कुछ काम की चीजें उसको भेजी, फिर हमने फोन किया कि देख लो हमने टिकट का फोटो भेजा है, कहता मेरा व्हाट्सएप ही बंद हो गया। तो कभी कभी माँ बाप सख्त डिसीजन लेते हैं वो आगे जाके फायदेमंद होते हैं। हाँ क्या क्या, हाँ मैं क्या कह रहा था सुनो, मैं ये कह रहा था कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इस चीज के लिए हम सिर्फ LHD और RHD देखते हैं। ध्यान से सुनना, LHD इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, बट इट नॉट इक्वल टू F-0। सुनते जाओ, डेरिवेबिलिटी के लिए क्या देखते हैं, LHD RHD, बात खत्म हो गई। फंक्शन एग्जैक्ट ए पर क्या दे रहा है हमें उससे कोई लेना देना नहीं, F-A से कोई लेना देना नहीं, हम F-A- और F-A+ की बात करते हैं। F-A क्या है कोई लेना देना नहीं, ठीक है। अब किसी फंक्शन gx के कंटिन्यूअस होने के लिए क्या जरूरी है, gA+, gA और gA- तीनों इक्वल होना चाहिए। तो मेरा फंक्शन F- के कंटिन्यूअस होने के लिए, F- को थोड़ी देर के लिए g मान लो, तो gA+, gA और gA-, इसका मतलब F-A+, F-A और F-A- तीनों की वैल्यू इक्वल होना चाहिए। तो डिफरेंशिएबल होना अलग मैटर है, और डिफरेंशिएशन करने से जो फंक्शन मिला है उसका कंटिन्यूअस होना अलग मैटर है। नहीं हुई बे यार, नहीं हुई। कंटिन्यूटी के लिए क्या जरूरी है, सुनो सुनो, लिमिट एग्जिस्ट के लिए क्या है, LHL इज इक्वल टू RHL। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए भी वही है, LHD RHD, मगर कंटिन्यूअस के लिए क्या है, LHL RHL और FA। तो मेरे F- के कंटिन्यूअस के लिए LHD RHD और F- है। आप स्थिति थोड़ा दिमाग लगा के सोचो, बारीक सा अंतर है दोनों बात में, कहां है अलग अलग, कहां आ रही, तुम ये देखो उधर मत देखो। भैया मेरी बात सुनो, जब हमारे पास FX लिखा होता है और यदि यहां इज इक्वल टू का चिन्ह हो फिर भी हम F- लगाते हैं, निकालते हैं, तो इज इक्वल टू का चिन्ह हटा देते हैं। यहां बताओ जीरो पे क्या वैल्यू है, वो चेक करनी है कि जीरो प्लस और जीरो माइनस पे क्या आएगी, तो इधर मत देखो आप, इधर देखो, ये सेम आ रही है, फर्स्ट प्रिंसिपल लगाओ। LHD RHD देखना है तो फर्स्ट प्रिंसिपल लगाओ, कंटिन्यूटी देखना है तो वहां जाओ। बारीक सा अंतर है, ये मेरी मंगेतर है और ये मेरी बीवी है, एक जगह होने वाले ससुर जी कहीं घूमने नहीं भेजेंगे और एक जगह ससुर जी सब जगह भेज देंगे, समझ रहे हो ना, बारीक सा ही अंतर है, वैसा ही अंतर यहां पर है, बारीक सा। लिखो जल्दी भैया, लिख लो तुम, मेरे चुटकुले का एनालिसिस मत करो, वो उसका अब अंतर समझ रहे हैं कि उस चुटकुले में क्या कह दिया सुहाग। हाँ बोलो बोलो, यहां पे इधर इधर क्या करूं, वही तो कह रहा हूं, ये H नीचे घूमकर आ जाएगा। कौन सी कोचिंग में पढ़े हो 11th 12th, तुम क्वेश्चन कौन सी कोचिंग में पढ़े हो ये बताओ, कैटलाइजर, शायद तुम कैटलाइजर को भी बदनाम कर रहे हो, इतना तो उसने भी पढ़ाया होगा,
क्योंकि बेमतलब की बुराई करना मेरा उद्देश्य नहीं। गोलू लिमिट h टेंस टू जीरो, साइन की गोद में वन अपॉन एच और ये नीचे वन अपॉन एच, ये वन थोड़ी होगा, वन तब होता जब वन अपॉन एच जीरो होता। स्टार टेंस टू जीरो तो साइन स्टार अपॉन स्टार वन। फिलहाल मेरा स्टार टेंस टू इंफिनिटी है तो साइन इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी इज नॉट वन। इतना तो मोहल्ले का टीचर भी पढ़ाता। थोड़ा जोर से बोलो यार। हाँ ये आ गया सेम। हाँ अब नहीं, अभी एफ डैश जीरो भी ढूंढो, वो आपको अलग से लिख के दिया हो। अभी मालूम स्थिति क्या है? सुनो सुनो सुनो, मैं एफ डैश एक्स का ग्राफ बनाता हूं, एफ एक्स का नहीं, शायद कुछ ऐसा ग्राफ है एफ डैश एक्स यानी कि जी एक्स। ये जी एक्स का ग्राफ है। किसका ग्राफ है साहब? तो जी जीरो से थोड़ा सा कम पे भी जीरो, जी जीरो से थोड़ा सा ज्यादा पे भी जीरो, मगर जी जीरो पर नॉट डिफाइन। इसलिए जी डिसकंटिन्यूअस है मगर जी की लिमिट एग्जिस्ट है। ये स्थिति है, ये बना लो भैया। ये फाइनल ग्राफ से मानस भैया सेटिस्फाइड हुए। पहली बार डिफरेंशिएशन किया तो 5x की पावर 4 और ये लिखा रहेगा प्लस x की पावर 5 माइनस साइन ln x अपॉन x प्लस cos ln x अपॉन x। तो y1 इज इक्वल टू 5, x का मल्टीप्लाई और x का डिवाइड करो तो ये चीज है y। फिर x कॉमन निकल के कट गया, x की पावर 4 माइनस साइन ln x प्लस cos ln x, सही है क्या? फिर से डिफरेंशिएशन किया y2, 5 y अपॉन x का डिफरेंशिएशन x स्क्वायर, y का हो गया y1, बगल में x चुपचाप माइनस y चुपचाप, x का हो गया 1 प्लस x की पावर 4 लिखा रहने दो और ये चीज इसको लिखा रहने दो, सॉरी ये क्या हो जाएगा 4x क्यूब, फिर प्लस x की पावर 4 तो ये माइनस साइन हो गया माइनस cos ln x अपॉन x माइनस साइन ln x अपॉन x। तो ये y2 इंटू x स्क्वायर इज इक्वल टू 5 y1 x माइनस y प्लस 4 x की पावर 5 प्लस ये इससे कट गया x क्यूब हुआ, फिर x स्क्वायर आया तो x 5 हो गया और ये लिखा है माइनस y। हाँ और ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी क्या है? ये उठ के इधर गया y1 माइनस 5 y अपॉन x और उसके अपॉन में क्या चला गया? तो ये इससे कट गया, x बचा, x फिर अंदर गया तो 4xy1 x x और कट गया 20y माइनस y 5y1 x माइनस 5y। तो बोलना भाई क्या हो गया? y1 x 9y1 x माइनस 26y और सामने लिखा है एक्स स्क्वायर वाई टू। अब मिला लो भैया, वो सब कुछ उठ के इस तरफ आ गया या ये उधर चला गया, जो भी हो, नहीं वो लोग उठ के इधर आए। तो माइनस 9 हो गया ए और प्लस 26 हुआ बी। कितने लोग खुद सफल हो गए थे? ये मतलब स्कूल लेवल का क्वेश्चन था। जल्दी करिए, वेक्टर वाला करिए, 562 करिए। एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है, तो ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी होगी? मॉड ए मॉड बी और क्या, हमें थीटा नहीं मालूम। इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है ये हमेशा छोटी रहेगी, किससे छोटी या बराबर रहेगी?
तो हाफ ए क्रॉस बी छोटा रहेगा 2 × 3/2 से, ये कैसे छोटा रहेगा। अब मेरे को जो ट्रेंगल का एरिया निकालना है उसमें एक साइड ए क्रॉस बी है और दूसरी साइड ए है, तो इसका जो एरिया होगा वो हाफ ये और ये होगा, और ये चीज भी अब छोटी हो जाएगी किससे, यानी कि एरिया 3 या 3 से छोटा ही रहेगा। अच्छा खास चीज, ये दोनों के बीच में 90 डिग्री है एंगल, इसलिए एरिया एग्जैक्ट ये होगा, साइन 90 है, ध्यान रखना। ए और ए क्रॉस बी के बीच में एंगल 90 डिग्री। तो आंसर ए बी सी 563 करो, 563 2 1 1 और 1 2 1 के बीच में एंगल, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू, बोलो सर, 2 2 1, 2 का स्क्वायर 4, 5 6 कितना आया, 5/, सही ना। अब एंगल कैसे टिक करेंगे भैया, सिंगल आंसर है क्या इसका, सिंगल ही है क्योंकि मोर देन हो ही नहीं सकता। अब 5/6, 5/6 किस इलाके में आएगा, कॉस डिक्रीजिंग फंक्शन होता है तो 0 पे 1 देता है, पाई बाय 4 पे 1/√2 देता है, यानी 0.707 आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, और ये 5/6 का मतलब कितना हुआ, 0.8 के आसपास जाएगा, तो ए आंसर सही हो गया। 564 करो भाई, जो 564 वाला क्वेश्चन है उसको अपन यूं ही आंखों आंखों में करने की कोशिश करते हैं, मेरी बात जरा सुनो। ऊपर लिखा है 2 - पॉजिटिव, नीचे लिखा है 2 + पॉजिटिव, इसका मतलब ऊपर वाला हमेशा छोटा है, नीचे वाला बड़ा है, यानी कि कॉट की गोद में आप कौन सी वैल्यूज रख रहे हो, 1 से कम ही कम। अब तुम 1 से कम ही कम रख रहे हो, यदि पॉजिटिव मानी जाए ओवरऑल वैल्यू को तो 1 से कम ही कम रख रहे हो, यदि ओवरऑल वैल्यू को नेगेटिव मानी जाए तो -1 से ज़्यादा रख रहे हो, इसका मतलब तुम वैल्यू क्या रख रहे हो, -1 से 1 तक। तो जब कॉर्ट की गोद में तुम -1 से 1 तक रखोगे तो वो तुम्हें आंसर देगा π/4 से 3π/4, यानी कि 0 से π उसने नहीं दिया, 3π/4 से π, 0 से π/4 नहीं दिया, 3π/4 से π नहीं दिया, तो इसने सारे सपने पूरे नहीं किए। अरे हाँ, इंजेक्टिव मतलब 1 1 मॉडेक्स लगा है भाई साहब, तो अब आप तुम 1 रखो या -1 रखो आंसर सेम आएगा, यानी कि इंजेक्टिव नहीं है, सपने भी पूरे नहीं कर पाया, तो ऑन टू भी नहीं है, सब्जेक्टिव भी नहीं है, मॉड एक्स लगा है तो इवन फंक्शन तो हो ही गया, अपने आप हो गया, पीरियोडिक भी नहीं लग रहा, क्योंकि 2 - मॉड एक्स / 2 + मॉड एक्स ये पीरियोडिक फंक्शन नहीं है, और खास चीज ये वो भी नहीं है क्या, लीनियर, लीनियर होता और कॉट की गोद में रखते तो संभावना थी कुछ, लीनियर से मेरा मतलब 1 1। अरे हाँ हाँ, तो एफ एक्स इवन है और अपीरियोडिक मतलब नॉट पीरियोडिक, ध्यान रखना। अच्छा, इंग्लिश की खराबी आप जरा यहां समझ लीजिए, लाइक मतलब क्या होता है, समान, एक जैसा, और अलाइक मतलब बहुत ही ज्यादा एक समान, क्या इंग्लिश है, लाइक मतलब समान, अलाइक मतलब बहुत ज्यादा समान, और पीरियोडिक कुछ होता है और अपीरियोडिक का मतलब नॉट पीरियोडिक होता है, ठीक। इसके बाकी दो ऑप्शन आप लोग बोलो, चलो समझाते हैं, देखना 2 - x / 2 + x का तुम तो ग्राफ बताओ, सुनिए, ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी का ग्राफ जिंदगी भर या तो इंक्रीजिंग होता है या जिंदगी भर डिक्रीजिंग होता है, तो दो पैटर्न के ग्राफ बनते हैं, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं है, ग्राफ या तो ऐसा बनता है, ऐसा बनता है, या फिर ऐसा बनता है, ऐसा बनता है, इस चीज का ग्राफ, ये वही तो है।
तो हमें डिफरेंशिएशन करके चेक नहीं करना है, डायरेक्ट बनेगा। आइए देखते हैं, तो इस चीज का ग्राफ देखिए, ये माइनस टू पे इन्फिनिटी देगा, तो एक्चुअली ये वर्टिकल लाइन ये है और हॉरिजॉन्टल लाइन इसमें इन्फिनिटी रखो, एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, तो एक्स का कोफिशियंट अपॉन एक्स का कोफिशियंट माइनस वन। अब एक्स की जगह जीरो रखो तो क्या मिला, वन। और एक्स की जगह टू रखने पर जीरो हो रहा है, यानी ये। अब तुम खुद बताओ कि ये ग्राफ बन रहा है कि ये ग्राफ बन रहा है, ऊपर वाला बन रहा है क्योंकि इसको ऐसे गुजरना है, तो बेवकूफ बच्चा इसका पहले डिफरेंशिएशन करेगा। ठीक, अब मेरी बात सुनो, इस क्वेश्चन में एक्स को रिप्लेस कर दो किससे, तो तरीका होता है सिर्फ प्लस एक्स का ग्राफ बनाओ ऐसा, और अब इसकी इमेज इस तरफ बना दो, तो ये कंटिन्यूअस तो है मगर नुकीला हो गया, समझ रहे हो आप, तो नॉट डिफरेंशिएबल की कैटेगरी में जाएगा। फिर भी आप आंसर तो जरूर देखना पीछे, क्या पता क्या है, और लिमिट वाला तो आप खुद ही लिमिट रख दो, उसमें क्या एक्स टेंस टू नेगेटिव की वैल्यू से क्या लेना देना भाई मुझे, मैं तो 2/√3 रखूंगा, तो 2/√3 रखा तो 2/√3 कॉमन आके कट गया, तो ऊपर बना √3-1, नीचे बना √3+1, तो √3-1 √3+1 60° माइनस 45° 10 का, तो 10 15 डिग्री की वैल्यू ये होती है √3-1 अपॉन 1+1.√3, तो 10 15 है तो साइन 75 होगा, वो कॉट 75 होगा, हाँ ठीक है, 15 5 75, और 15 मतलब π/12, तो डी सही है। अरे हाँ, 565 कल करेंगे, और अगले पेज पर 2 मैच द कॉलम है वो भी कल करेंगे, और कल एक और नई शीट देंगे, रोज के रोज ताजा फ्रेश माल।